एक ओर जहां भारत के किसान देश की खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे जवान सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। हरियाणा में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें एक बेटा किसान है तो दूसरा जवान है। सही मायनों में जय जवान और जय किसान की अवधारणा इस हरियाणा राज्य में ही चरितार्थ होती है। हम सब ने देखा कि 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे अनेक बहादुर जवान एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हो गए। अपने सभी देशवासियों के साथ मैं इस जघन्य अपराध की भर्त्सना करता हूं। आज उन शहीदों के परिवारजनों के साथ साथ पूरा देश शोक संतप्त है। मैं पूरे देश की ओर से उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई और बहनों, हम सब ने साहस और धैर्य के साथ ऐसी चुनौतियों का सामना करते रहे और तमाम हादसों और चुनौतियों का सामना करते हुए फिर से पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। और आज हमें विश्वास है कि उसी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते भी रहेंगे। मैं पूरे देश की ओर से अपने बहादुर जवानों और सुरक्षा कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। हरियाणा सहित हमारे देश के सभी राज्यों के उद्यमी किसान अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अनाज, फल फूल और डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन में भी किसानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सफलता के लिए मैं आप सभी किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं। इस समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसानों व उनकी सहायता करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को भी मैं खास तौर से बधाई देता हूं। ये हरियाणा राज्य के लिए गर्व की बात है कि राज्य के 3 किसानों को इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। आज जिन किसानों को पुरस्कार मिले हैं अथवा जिनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है, ऐसे सफल किसानों से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। कृषि विकास के लिए हरियाणा ने अन्य राज्यों तथा देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कृषि कुंभ में हरियाणा राज्य ने एक पार्टनर के रूप में भागीदारी की थी। इजराइल, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों की सहभागिता से हरियाणा के अनेक जिलों में उत्कृष्टता केंद्र खोले गए। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस एग्री समिट में भी 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अनेक देशों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ है। यह आप सभी किसान भाइयों के लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा को श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के रूप में एक ऐसे राज्यपाल का मार्गदर्शन प्राप्त है जो अपने निजी जीवन में कृषि से जुड़े रहे और इस क्षेत्र का गहरा अनुभव भी रखते हैं। किसानों के विकास हेतु प्रभावी प्रयासों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और राज्य सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के समग्र विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे अधिक
जन भागीदारी के साथ ग्रामीण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा को वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया। राज्य के सेक्स रेशियो में भी सुधार हो रहा है। हरियाणा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित महिला सशक्तिकरण के अन्य सभी प्रयासों में सरकार के साथ मिलकर राज्य में बदलाव ला रहे हैं। एक आकलन के अनुसार हरियाणा में सन 2011 में प्रति 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या केवल 830 हुआ करती थी। बेटियों की यह संख्या अब बढ़कर 914 तक पहुंच गई है। यदि हम जिस जिले में आज कार्यक्रम हो रहा है सोनीपत की बात करें तो इसमें भी मुझे बताया गया कि 16 ऐसे गांव हैं जहां बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। यह बदलाव समाज में नई जागृति का प्रमाण है। इस सफलता के लिए यहाँ के निवासियों तथा प्रशासन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कृषि के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर में भी हरियाणा बहुत आगे है। आधुनिक वाहनों और वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस कंसल्टेंसी के मल्टीनेशनल उद्यम एग्री प्रोडक्ट्स हो या हथकरघे पर बनी चीज़ें, हरियाणा इन सभी का महत्वपूर्ण केंद्र बना है। हरियाणा आज एक एजुकेशन हब के रूप में उभर कर सामने आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानदंडों पर हरियाणा देश में 14वें स्थान से आज ऊपर उठकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारे किसान भाइयों और बहनों, हरियाणा की 65 से 70% की आबादी की जीविका कृषि पर आधारित है। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में 21वीं नंबर पर है लेकिन देश के अनाज के भंडार में योगदान की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। सेंट्रल, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया था, सेंट्रल पूल में हरियाणा के 14 करोड़ क्विंटल के योगदान के कारण ये कहा जा सकता है कि छोटा राज्य लेकिन बड़ा योगदान। आप सबकी समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप सब लोगों ने अपने परिश्रम और जुझारूपन से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना दिया। करनाल में स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। इसके प्रयासों से हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के किसान लाभान्वित होते हैं। इस संस्थान ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और उत्पादकता बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की एक लोकप्रिय कहावत भी है जिसमें कहा गया है कि देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। यद्यपि हरियाणा में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, लेकिन ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के लिए परिश्रम करने वाले यहाँ के किसानों के बल पर हरियाणा ने प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार आमतौर पर हरियाणा में लोग चावल कम खाते हैं, लेकिन देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को चावल उपलब्ध कराने में हरियाणा के किसान बहुत आगे हैं। उदाहरण के लिए बासमती चावल के मुझे बताया गया है कि निर्यात का 60% हिस्सा हरियाणा से ही जाता है। किसान भाइयों और बहनों, मुझे ये जानकर खुशी हुई
कि पर्यावरण के लिए सजग हरियाणा सरकार एवं यहाँ के किसानों ने मिलकर पराली के उचित प्रबंधन को अपनाया और उसका बेहतर उपयोग किया। परिणाम स्वरूप इस वर्ष पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर पराली से होने वाले इस प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। किसान भाइयों और बहनों, जब किसान सीधे बाजार से जुड़ते हैं तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राज्य की सभी 108 मंडियों को ऑनलाइन पोर्टल ई नाम से जोड़ा जा रहा है। इसमें आप सभी किसान भाई बहन अपने उत्पादों को और अधिक सुगमता के साथ उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। साथ ही आज किसान डिजिटल ऐप का भी एक शुभारंभ करके मुझे खुशी हुई। हम सब लोग जानते हैं इस ऐप के माध्यम से हरियाणा के किसानों को नई नई आधुनिक जानकारियां खेती के बारे में उपलब्ध होती रहेगी। आप सभी देश के अन्नदाता, आपके हित में सोचना सरकार और समाज का कर्तव्य है। इसी सोच के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसके तहत 3 किस्तों में लगभग 6,000 रुपए की सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इस राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ या उससे कम की जोत वाले देश के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए। मुझे प्रसन्नता है कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पूरे देश में लगभग 100 अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। पानी की हर बूंद का समुचित उपयोग करने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे के सहयोग से बहुत बड़ी क्षमता वाले मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी से युक्त साइलोज का निर्माण हुआ, जिनसे खाद्यान्नों के परिवहन तथा भंडारण की गति और क्षमता बढ़ेगी। किसानों के विकास और कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं और प्रयासों का उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र और अधिक लाभकारी बने। सबको मिलकर पूरे देश के कृषि क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ किसानों के बच्चे उत्साहपूर्वक किसान बनना चाहिए। ऐसे वातावरण में किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा अन्य क्षेत्रों के उद्यमी भी कृषि क्षेत्र में निवास करने के लिए आकर्षित होंगे। इसके लिए चल रहे देशव्यापी प्रयासों में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी बड़े पैमाने पर अपनाना जरूरी है। परंपरागत खेती के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और पद्धतियों का समन्वय करने से किसान लाभान्वित होंगे। देश के कई संस्थानों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, नई प्रजातियों का विकास करने तथा पशुधन में सुधार जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रगति पर, आधुनिक कृषि व्यवस्था के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए उन्हें नई जानकारी के साथ साथ सहायक इकोसिस्टम भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज पूरे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को ध्यान में रखकर एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर की निगाह से खेती को अपनाने की जरूरत है। नई सोच के साथ निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है और मैं कह सकता हूं कि आज जो प्रारंभिक उद्बोधन में बताया गया कि
इन तीन दिनों के एग्री समिट में अभी तक लगभग 1.5 लाख से अधिक हरियाणा के किसान भ्रमण कर चुके हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि इस एग्री लीडरशिप समिट में आप सबको खेती के नई तकनीकों, तौर तरीकों और कृषि को व्यापार के रूप में आगे बढ़ाने के नए अवसरों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी। मैं आशा करता हूं कि अन्य राज्यों के साथ कृषि क्षेत्र में हरियाणा अपनी सहभागिता और भी बढ़ाए, उसका विस्तार करे और इस प्रकार हरियाणा पूरे देश को एग्री लीडरशिप प्रदान करे। मैं एक बार फिर हरियाणा के आप सभी सफल और प्रगतिशील किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं तथा भविष्य में और भी अधिक उन्नति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।